नमस्कार मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के जाने माने हस्ती पद्म भूषण से सम्मानित एमडीएच मसाला के प्रमुख धर्मपाल गुलाटी के बारे में। देश के जाने माने हस्ती पद्म भूषण से सम्मानित एमडीएच मसाला के प्रमुख धर्मपाल गुलाटी का 3 दिसंबर 2020 की सुबह में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। वे कुछ दिन पहले ही कोरोना जैसी बीमारी से ठीक होकर घर चले गए थे। पिछले कुछ दिनों पहले तबियत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां गुरुवार को हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। उनके गुजर जाने की खबर देश में फैल गई। इस खबर को सुनकर बहुत लोगों की आंखें नम हो गई हैं। धर्मपाल गुलाटी माता चंदावती अस्पताल में भर्ती थे। धर्मपाल गुलाटी ने अपने व्यवसाय को ही प्रधानता नहीं दिया, बल्कि उन्होंने समाज के लिए भी बहुत कुछ किया है। आज उनके अनुग्रहित कार्यों की वजह से बहुत सारे स्कूल और हॉस्पिटल चल रहे हैं। धर्मपाल गुलाटी जी का सभी कार्य उल्लेखनीय है। उनका पूरे भारत में एमडीएच की 15 कंपनियां हैं, जिसमें 6-7 कंपनियां दिल्ली एनसीआर में स्थित है। वहीं इनकी 3 और कंपनियां अरब देश में काम कर रही है। धर्मपाल गुलाटी जी का जन्म 27 मार्च 1923 को सियालकोट पाकिस्तान में हुआ था। वे सन 1947 में देश विभाजन के बाद भारत आ गए थे। तब उनके पास करीब 1500 रुपए थे। भारत आकर उन्होंने परिवार के लालन पालन के लिए तांगा चलाना शुरू कर दिया था। तांगा चलाकर उनके पास इतनी पूंजी हो गई थी कि वो अपना व्यवसाय शुरू कर सके। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के करोल बाग स्थित अजमल खान रोड पर मसाले की एक दुकान खोली। तांगा का व्यवसाय छोड़कर मसालों का व्यवसाय उन्होंने इसीलिए शुरू किया था कि उन्हें मसालों का अच्छा ज्ञान था। इसी वजह से उनकी व्यवसाय में चमक आई थी। अपनी मेहनत और लगन की वजह से वो सन 1996 में खुद की अपनी एमडीएच की दिल्ली में फैक्ट्री उन्होंने खोली थी। गुलाटी जी की मेहनत कहे या किस्मत, की दुकान से मसाले का कारोबार इतना फैलता गया कि आज देश विदेश भर में लोग इनके मसालों का स्वाद ले रहे हैं। और उनकी भारत के अलावा दुबई में भी 3 मसाले की फैक्ट्रियां हैं। इन फैक्ट्रियों में तैयार होने वाले एमडीएच मसाले पूरे दुनिया भर में पहुंचते हैं। एमडीएच के कुल 62 प्रोडक्ट्स हैं। एमडीएच कंपनी उत्तरी भारत के 80% बाजार पर अपने कब्जे का दावा रखती है। धर्मपाल गुलाटी जी अपने उत्पादों का विज्ञापन खुद ही किया करते थे। आपने उन्हें अक्सर अपने टीवी पर मसालों के बारे में बताते हुए देखा होगा। उन्हें दुनिया का सबसे उम्रदराज एड स्टार भी माना जाता था। धर्मपाल गुलाटी जी कक्षा 5वीं तक ही पढ़े थे। वो आगे की पढ़ाई के लिए वो कभी स्कूल नहीं गए। उन्होंने भले ही किताबी शिक्षा अधिक ना ली हो, लेकिन कारोबार में बड़े बड़े दिग्गज व्यवसायी लोग उनको लोहा मानते हैं। और यूरो मॉनिटर के मुताबिक धर्मपाल गुलाटी जी FMCG सेक्टर के सबसे ज्यादा कमाई वाले CEO भी थे। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार साल 2018 में 25 करोड़ रुपए इन हैंड सैलरी मिली थी। गुलाटी जी की यही महानता थी कि वो अपनी सैलरी का करीब 90% हिस्सा दान कर देते थे। वे 20 स्कूल और एक हॉस्पिटल भी चला रहे थे। धर्मपाल गुलाटी जी व्यापार और उद्योग में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए उन्हें साल 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म भूषण से नवाजा था। धर्मपाल गुलाटी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वे दिल्ली के करोल बाग में वे नंगे पांव क्यों जाते थे, क्योंकि वो इस जगह को अपना मंदिर मानते थे, क्योंकि इसी जगह से उन्हें बिजनेस की दुनिया में एक बड़ी पहचान मिली थी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।